बैक पैनल एक्चुअली बैक पैनल रिप्लेस नहीं करता एप्पल। कितने कितने थाउजेंड का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है? ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है भाई, असली प्रॉब्लम ये कि भाई ने अपनी दाढ़ी उड़ा दी। मजाक कर रहा था, पता ऐसे कोई रैश वैश पड़ जाता है ना, खुजली होते हो, खाली ऐसे सिम्टम्स ही होती है। थोड़ा गलत एग्जांपल दे दिया, मन खराब हो गया, बट आज खुजली सारी मिटा दी जाए और असली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मैं जब भी किसी ऐसे प्रोडक्ट या किसी ऐसे सर्विस को यूज करता हूँ, मेरा बहुत ही इमोशनल कनेक्शन सा बन जाता है। ये जितने भी ब्रांड्स है, मतलब इन सब की जो स्टोरीज होती है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा कंपेल करती है। इन सब पे ऐसे वीडियोस बनाने मेरे को ऐसे अलग ही अंदर मन की संतुष्टि मिलती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं, इन पे मैं रिसर्च थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। पर एप्पल जो ब्रांड है ना, एक प्रोडक्ट ब्रांड है और एक खाली मतलब ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इनकी बहुत ही तगड़ी स्पेशलिटी है। बट अब ये दिक्कत वाली सिनेरियो में आ रहा है। तो नील है भाई, जिन लोगों को नील नहीं पता है, नील मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये सीईओ भी है आईपीएक्स मीडिया का, जो एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है। और ये फोन तोड़ देता है। नील का ही फोन था ये जो ब्लैक कलर वाला था, इसने करारी खरोंचे मार रखी है इसके ऊपर। कैसे हुआ ये? क्या क्या कर रहे थे इसके साथ? नया फोन आया था, खुशी थी कि चलो अच्छा लग रहा है, स्विच करा है बिना कवर के यूज करा। खरीदने कितने दिन बाद ये हंसता हुआ? 8 से 9 दिन। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अभी नया फोन थोड़ा यूज कर लेता हूँ, उसके बाद कवर लगा लूँ। एक कॉल कर रहा था, ईयरफोन्स लगे हुए थे, कुछ हुआ, एकदम वॉशरूम से निकला, हाथ लगा ईयरफोन्स पे, फोन पॉकेट से निकल के ऐसे करके घुमा वहां। अब जो रेडिकल इनोवेशन वाला फेज था ना, रेडिकल इनोवेशन उग्र नमोन वेश का जो फेस था वो अब जा चुका है। रेडिकल इनोवेशन ज्यादा बढ़िया सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब प्रॉफिट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है जो भी प्रोडक्ट डिजाइन है। अगर आप लोगों ने ऐसे थोड़ा बहुत नोटिस करा तो जॉनी भैया जो थे, जिन्होंने आईफोन बनाया था, जिन्होंने आईपैड बनाया था, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज एप्पल की जो भी अच्छी लगती है पकड़ने में वो डिजाइन करी थी, उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। अभी ये 2 हफ्ते पहले की बात है। उसका रीजन ये बताते हैं कि भाई जो डिजाइन टीम है और प्रोडक्ट टीम है एप्पल की, उसके पास मतलब ऐसे फुल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर के हिसाब से सारी चीजें चल पा रही है। समझ लो आप ऐसे गोलगप्पे खाने जाते हो, वहां पे गोलगप्पे वाला बोलता है 10 रुपए की एक प्लेट है, बट जैसे वो पहला गोलगप्पा डाल देता है उसके बाद बोलता है कि लाल चटनी कैसे 5 रुपए एक्स्ट्रा लगे। तो थप्पड़ मारने का मन करता है ना, थप्पड़ मत मारना केस वेस हो जाएंगे। बट सेम चीज एप्पल प्रोडक्ट के साथ भी हो रहा है। मतलब जाके ऐसे फोन तो ले लोगे, बट उसका 10 तरीके अडाप्टर लेने पड़ेंगे 5-5-6 हजार के, केस भी 4-5 हजार के हैं, उसके साथ सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद 10 अलग तरह की चीजें हैं जो एक्चुअल एड ऑन करती हैं, और जो एक्चुअल फोन की रिपेयर की फीस है भाई 4 किडनियां चाहिए भाई। अब तो एप्पल के अपने एम्प्लॉयज भी पता नहीं कैसे अफोर्ड करते। तो अब ये रिप्लेसमेंट इसका ढूंढना सकते हैं। अच्छा, ये कवर कितने का लिया? ये वाला इसने कवर खरीदा, लेदर कवर, मतलब इसको ढकने के लिए अपनी गलतियों को। अब मैंने सोचा बेस्ट पॉसिबल वे में एप्पल को अप्रोच करता हूँ कवर के लिए, और उन्होंने कवर मुझे 4,500 का दिया। तूने इसका कुछ पता था करा था क्या? मैंने पहले गूगल सर्च करा, गूगल ने कुछ डॉलर्स में दिखाया, इतने डॉलर लगे। मैंने कहा नहीं ये झूठ होगा, इतना अमाउंट हो ही नहीं सकता। मैंने अगले दिन कॉल करा एप्पल को, मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार में हो जाएगा। तो मैंने फ़ोन वोन करा, एप्पल ने बोला कि हो जाएगा, ठीक बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कितने चार्जेस? थोड़े टाइम पहले तक एप्पल का मेन एम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना होता था, और उसी के अराउंड वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करते कि मतलब उसी के हिसाब से पैसा कैसे बनाएंगे और ये सारी चीज़ें। और उनका डर नहीं लगता था ऐसा किसी एक प्रोडक्ट बनाने में जो पुराने वाले सारे प्रोडक्ट्स को फेल कर दे। मतलब जैसे आईफोन निकला था, उसने मतलब आईपॉड की बिक्री एकदम बंद कर दी थी, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो आईपॉड पे रिसर्च करी थी, डेवलपमेंट करी थी, उस पे भाई जितने स्टॉक्स पड़े थे, जो अपने बहुत सारी आर एंड डी थी, उसका सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। बट क्योंकि एक तगड़ा प्रोडक्ट बन जाता है तो उससे मतलब हल्का फुल्का कवर हो जाता है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन पाता है। तो पहले ऐसा था कि भाई लड्डू एकदम मीठे बनाने होते थे, चाहे से चीनी का प्राइस कम होता रहे, बढ़ता रहे, और बाकी सारी चीजें थे इधर होती रहे, उनका मेन फोकस एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने पे था। बट अब जो मेंटालिटी है वो मतलब ज्यादा बेचने पे है, ज्यादा पैसा कमाने पे है, और ज्यादा कैसे रेवेन्यूज का मल्टीप्लाई हो पाए, जो पहले से पड़ी है चीजें उन्हीं को ऐसे लपेट लपेट के। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसे दिक्कतें इनसाइड कंपनी भी हो रही है और आउटसाइड कंपनी भी हो रही है, और छोटे मोटे सिम्टम हमको भी देखने के लिए मिल जाते हैं एज ए कस्टमर। एक काम करते हैं, मैं यूएस का प्राइस मतलब बाहर का प्राइस जो है रिपेयर का वो आपको पहले चेक करके बता दूं। तो अगर आपके आईफोन की स्क्रीन टूटती है 23,000 रुपये देने पड़ते हैं, बट बैक में कुछ भी होता है उसके आपको देने पड़ते हैं 42,000 इंडिया के बाहर, और इंडिया में प्राइस ऑलमोस्ट डबल तक हो जाता है। एक किडनी में दिक्कत है तो फिर तो मतलब खत्म है, जिंदगी खत्म है भाई रिपेयर कराने में। एक काम करते हैं एप्पल के भाइयों को कॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो, हाँ सर, एक्चुअली मेरा ना आईफोन XS Max है, और इसका जो बैक पैनल है उसमें एक बहुत ही छोटा सा क्रैक आ गया। मैं मतलब अभी चलते चलते गिर गया था फोन सर। डैमेज, वो क्रैक हो गया तो उस कंडीशन में आपका
क्योंकि वारंटी वर्ल्ड हो जाती है सर डैमेजेस की कंडीशन पे। अच्छा, तो मतलब वारंटी लगेगी नहीं। वैसे मैं अभी मेरे को 8-10 दिन ही हुए हैं इसको खरीदे हुए टेनिस मैक्स है, तो इसमें कुछ होता नहीं है वारंटी और इंडिया कुछ नहीं होगा? नहीं सर, डैमेजेस वारंटी का तो कितने चार्जेस लग जाएंगे बैक पैनल के रिपेयर के? बैक पैनल एक्चुअली बैक पैनल रिप्लेस नहीं करता एप्पल। अच्छा, और डिस्प्ले हम चेंज करवा सकते हैं और बैक पैनल से जो आप वायरलेस चार्ज करते हैं वो पूरा पैनल अटैच होता है, तो इसलिए एप्पल पूरा फोन ही रिप्लेस करता है। अच्छा 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 अच्छा, बट उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, 59,000 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। कितने कितने थाउजेंड का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है? 59,000 पूरा फोन ही चेंज होगा सर। 59,000 का? सर इतने में तो दो नए फोन आ जाएंगे। iPhone XS Max मिलेगा आपको। अच्छा, लेकिन पैसे तो एक के दे ही चुका ना, तो ये अपना वॉल्यूम बटन खराब हो जाए पावर बटन तब भी इतने चार्ज रखता है? नहीं, अगर वारंटी में अगर आपको खराब हो रहा है तो वारंटी में तो आपको, बट आपके फोन का कंडीशन एक्चुअली क्या है, बैक पैनल डैमेज है तो एप्पल को पूरा फोन अभी फॉरवर्ड करना पड़ता है, पराठे की मस्त वाली रेसिपी लिखी थी। अब उन्होंने पराठे बनाने सीख लिया और उनसे वैरायटी मांगो तो भाई गोभी के पराठे, आलू के पराठे, हर चीज के, मतलब टमाटर के, मोमोज के भी पराठे बन रहे हैं भाई। मोमोज के पराठे वैसे मस्त होंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो मैकबुक्स की डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें R&D और इन सब चीजों में ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, और इसकी वजह से जो i9 प्रोसेसर फिट करते हैं वो भाई इसमें बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसको मतलब सॉफ्टवेयर में ऐसे जुगाड़ लगा के ऐसे प्रोसेसर को स्लो चला के वो फिक्स करा जाता है। अगर मैं थोड़े बहुत और एग्जांपल देने के लिए बताऊं तो iPad Air जो 2013 में था और जो 2019 में iPad Air निकला उनमें सेम डिजाइन है। iPhone में भी आप देख सकते हो 6, 6s, 7, 8 इन सब की जो चासी है वो एकदम सेम डिजाइन है, और iMac जो 2009 में बना था वो सेम टू सेम चला आ रहा है अभी तक 2018-19 तक। तो डिजाइन में एक्चुअल कोई भी ऐसे नए प्रोडक्ट डिजाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई अगर अच्छी डिजाइन है चली आ रही तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दिक्कत आने लगती है ना, जैसे ग्लास बैक्स टूटने लगती है या फिर कीबोर्ड में ऐसे दिक्कत होने लगती है, तो उसको चेंज करने के लिए भी भाई बहुत ज्यादा ऐसे 4-4, 5-5 साल का टाइम लगता है, और उसमें भाई कस्टमर्स को मतलब लिटरल रिपेयर कॉस्ट बेयर करो और ये सारी चीजें, तो भाई बहुत ही मतलब दिक्कत वाला मामला है। इंडिया में तो भाई एक्चुअल पुराने आईफोन ही ज्यादा बेचे आ रहे हैं एप्पल की तरफ से, भाई अब नई रेसिपी बुक की जरूरत है और थोड़ी ऐसे परांठे बनाने थोड़े टाइम के लिए बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। इन दी एंड मैं तो ऐसा कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल हाई क्वालिटी भगवत ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं अपने थोड़े बहुत ओपिनियन बता सकता हूँ। पैसा बनाना किसी भी एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट प्रोग्रेस भी उतनी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर आपका खाली रेवेन्यू ग्रो करता जा रहा है और आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो इवेंचुअली मतलब कोई कंपनी आगे टेक ओवर कर जाएगी और उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनको दोनों को साथ में आगे बढ़ाना रहता है, और किसी किसी चीज में हो सकता है अगर प्रोडक्ट को प्रायोरिटी रखी जाए तो रेवेन्यू कभी कभार ऐसे हिट आ जाए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई वो बेटर ही रहता है। तो भाई बस इतना था इस वीडियो के लिए। अब नील का फोन तो ठीक नहीं हो रहा है, उसने बेचारे ने कवर लगा लिया, एक किडनी बचा के रखना चाहता हूँ, बट अगली वाली वीडियो में हम मिलते हैं आपके लिए, मतलब हाँ नई वीडियो, बाकी देख लेना, लाइक वाइक कर देना सब मस्त वाली चीज़ों को।